गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग फिर क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री लैंडलॉर्ड के बुक में। आज हम किसके बुक में जर्नल एंट्री पढ़ेंगे? लैंडलॉर्ड के बुक में। लैंडलॉर्ड भी जब जर्नल एंट्री करते हैं अपने बुक में, तो इनके सामने भी तीन सिचुएशन उत्पन्न होते हैं। या तो इनका रॉयल्टी मिनिमम रेट से अधिक होगा, या तो रॉयल्टी मिनिमम रेट से क्या होगा, कम होगा, या तो रॉयल्टी मिनिमम रेट के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये सिचुएशन जिस प्रकार से लीजी के बुक में क्रिएट होते हैं, वही सिचुएशन किसके बुक में क्रिएट होता है? लैंडलॉर्ड के बुक में क्रिएट होता है। और लैंडलॉर्ड भी इसी के अकॉर्डिंग अपने बुक में क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। वैसे बच्चों, जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं, वैसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा पिछला वीडियो है, उस वीडियो को जरूर वो क्या करें, देखने का काम करें, तभी वो हमारे इस वीडियो के अंतर्गत आए, ताकि उसे यहां पर लैंडलॉर्ड के बुक में जर्नल एंट्री के बारे में समझ सके। क्योंकि लीजी के बुक में जो जर्नल एंट्री है, मैंने पिछले वीडियो में क्या कर रखा है, बता रखा है। तो अब देखते हैं लैंडलॉर्ड के बुक में किस प्रकार से जर्नल एंट्री किया जाता है। यहां पर देखने से पहले फिर से एक बातें आती है कि अगर लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है और लैंडलॉर्ड ने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लीजी को शॉर्ट वर्किंग को रिकूट करने का अधिकार दे रखा है, तो उस सिचुएशन में जब लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट वसूल होगा लीजी के कम काम करने के कारण, तो जो एक्स्ट्रा पैसे लैंडलॉर्ड को वसूल हो रहा है, क्या ये लैंडलॉर्ड के लिए इनकम होगा? तो बच्चों क्लियर वे में समझिएगा, नहीं। बच्चों आप कहिएगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लैंडलॉर्ड ने लीजी को अधिकार दे रखा है कि आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूट कर सकते हो, और जब तक आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूट नहीं करोगे, तब तक या जब तक शॉर्ट वर्किंग को रिकूट करने का राइट खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वो लैंडलॉर्ड के लिए कभी भी इनकम नहीं माना जाएगा। एग्जांपल के रूप में समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति को मुझे अगर कोई व्यक्ति जो मुझे पे करना था कि वो मुझे 500 रुपए पे करता, लेकिन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसने मुझे 600 रुपए पे किया, तो कहेगा कि सर ये 100 रुपए तो आपका एक्स्ट्रा इनकम हो गया। मैं कहूंगा हाँ बच्चों, ये 100 रुपए एक्स्ट्रा इनकम होगा, लेकिन मैं इस 100 रुपए को उसे एडजस्ट करने का अगर राइट दे रखा हूं, तो क्या ये 100 रुपए मेरे लिए इनकम होगा? नहीं। सोचने वाली बात है, क्या ये 100 रुपए मेरे लिए इनकम होगा? नहीं होगा। ये 100 रुपए मेरे लिए क्या होगा? ये 100 रुपए मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे देना था 500 रुपए, उसने मुझे कितना दे दिया? 100 रुपए। तो ये जो 100 रुपए मेरे लिए आ गया है एक्स्ट्रा अमाउंट, ये मेरे ऊपर किस रूप में रहेगा? ये मेरे ऊपर लायबिलिटी के रूप में रहेगा। उसी प्रकार अगर लीजी लैंडलॉर्ड को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए मिनिमम रेंट के थ्रू, तो उस सिचुएशन में क्या जो एक्स्ट्रा अमाउंट लैंडलॉर्ड को मिल रखा है, क्या वो लैंडलॉर्ड के लिए इनकम होगा? नहीं बच्चों, वो लैंडलॉर्ड के लिए क्या होगा? वो लैंडलॉर्ड के लिए लायबिलिटी होगा। और इस लायबिलिटी को लैंडलॉर्ड यहां पर क्या नाम देता है? इस लायबिलिटी को लैंडलॉर्ड यहां पर रॉयल्टी रिजर्व का नाम देता है। यहां पर किसका नाम देता है? रॉयल्टी रिजर्व का नाम देता है। बातें समझ में आए बच्चों कि ये रॉयल्टी रिजर्व किस प्रकार से लैंडलॉर्ड के लिए लायबिलिटी है? हाँ सर जी। अब हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? जर्नल एंट्री देखते हैं लैंडलॉर्ड के बुक में। लैंडलॉर्ड पहला क्या करेगा? व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से क्या है, कम है, तो क्या होगा? पहला ड्यू यानी रिसीवेबल का ये एंट्री करेगा, पहले ही तो अमाउंट वसूलेगा नहीं, बल्कि पहले अमाउंट को क्या करेगा? रिसीवेबल करेगा, ड्यू का एंट्री करेगा। जब एंट्री करेगा रॉयल्टी रिसीवेबल का, ड्यू का एंट्री क्या हो जाएगा? रॉयल्टी रिसीवेबल।
या तो रॉयल्टी लिखिए या तो रॉयल्टी रिसीवेबल लिखिए, क्योंकि रॉयल्टी लैंडलॉर्ड के लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए अमाउंट प्रिंसिप है। तो ये उनके लिए क्या होगा, ये उनके लिए इनकम हो जाएगा। और जैसे ही लैंडलॉर्ड के लिए इनकम होगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखिए क्रेडिट कर दिया गया, रॉयल्टी रिजर्व लायबिलिटी है, उसे भी क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये किससे वसूल करेगा, लीजी से, तो लीजी को क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया। जनरल एंट्री क्या बन गया, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल या रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, या रॉयल्टी रिसीवेबल या रॉयल्टी, दोनों वर्ड का यूज कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकेंड, अब क्या करेगा, अमाउंट रिसीव कर लेगा, किससे, लीजी से, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट, कोई दिक्कत तो है नहीं। और फिर रॉयल्टी चूंकि इनकम है, कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एसपीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ये पहली बातें समझ में आ गई बच्चों? हाँ सर जी। उसी प्रकार दूसरा सिचुएशन हो सकता है क्या, कि जब रॉयल्टी आपके मिनिमम रेट से क्या होंगे, अधिक हो जाएंगे। जैसे ही रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा लैंडलॉर्ड के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए इस सिचुएशन में ये होगा कि जो लैंडलॉर्ड रिजर्व बना के रखे हुए हैं अपने पास, यानी जो एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने लीजी से रिसीव कर रखा है, जैसे ही लीजी का रिकूट करने का राइट खत्म होता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे लैंडलॉर्ड के लिए लायबिलिटी भी क्या होते हुए चले जाएंगे, खत्म होते हुए चले जाएंगे। और जैसे ही लैंडलॉर्ड का लायबिलिटी खत्म होगा, लैंडलॉर्ड अपने रिजर्व को बढ़ाता हुआ चला जाएगा कि कम करता हुआ चला जाएगा, कम करता हुआ चला जाएगा। उस सिचुएशन में वो उसे डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, उस सिचुएशन में वो उसे डेबिट करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से अधिक होते हैं, तो रॉयल्टी रिसीवेबल के अंतर्गत देखिएगा रॉयल्टी रिजर्व को इन्होंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया, इसलिए क्योंकि इनका लायबिलिटी अब धीरे धीरे क्या होते हुए चले जा रहे हैं, खत्म होते हुए चले जा रहे हैं। बातें क्लियर है बच्चों? हाँ सर जी। और लीजी को वो डेबिट कर देगा क्योंकि इसे अमाउंट रिसीव करना है, और रॉयल्टी को वो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। रॉयल्टी रिसीवेबल को क्रेडिट कर या रॉयल्टी को क्रेडिट कर, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दोनों वर्ड का क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो जनरल एंट्री क्या किया गया, जनरल एंट्री क्या गया, लीजी अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। बातें क्लियर है? अब क्या कर लिया जाएगा, अमाउंट रिसीव कर लिया जाएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट। और जो रॉयल्टी है आपका इनकम, वो इनकम को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, फिर से अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंतर्गत। जनरल एंट्री क्या हो जाएंगे, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। बातें क्लियर है? अब थर्ड सिचुएशन इनके सामने ये उत्पन्न हो सकता है कि जब रॉयल्टी आपके मिनिमम रेंट के बराबर है, जैसे ही रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर है, तो ना तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिजर्व होगा और ना तो किसी प्रकार का कोई लायबिलिटी होगा। तो सिर्फ क्या एंट्री होंगे, एंट्री होंगे रॉयल्टी रिसीवेबल का। क्या जनरल एंट्री, ये लीजी से प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त करेगा, रॉयल्टी। जनरल एंट्री क्या हो जाएंगे, लीजी अकाउंट डेबिट रॉयल्टी अकाउंट। और जब ये अमाउंट मिल जाएगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी। और जब रॉयल्टी को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इनकम है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ये बातें समझ में आया, ये था तीन सिचुएशन। अब यहाँ पर फिर से बातें समझने का काम कीजिएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी जो मेरे द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा, जब लीजी का राइट खत्म हो जाएगा और लीजी अपने शॉर्ट वर्किंग को रिकूट नहीं कर पाएंगे, तो जो मेरा, जो मैंने रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बना रखा है, वो रॉयल्टी रिजर्व का मेरा लायबिलिटी भी तो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही लायबिलिटी खत्म होगा और उन्होंने यानी लीजी ने अगर शॉर्ट वर्किंग को पूरा रिकूट नहीं कर पाया, अगर लीजी ने शॉर्ट वर्किंग को रिकूट पूरा नहीं कर पाया, तो अब उसके राइट खत्म हो गए। जैसे ही उसके राइट खत्म हो गए, तो अब वो रॉयल्टी रिजर्व मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। और जैसे ही रॉयल्टी रिजर्व इनकम बनेगा, यानी ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये मेरे लिए कहलाएगा अनरिकूट रॉयल्टी रिजर्व। और जैसे ही अनरिकूट रॉयल्टी रिजर्व होंगे, एक्चुअल में ये मेरा इनकम हो जाएगा, क्योंकि लीजी ने इसे रिकूट नहीं कर पाया।
और जब रिकूप नहीं कर पाया तो इसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इसे हम ट्रांसफर कर देंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट के अंदर। जनरली ये क्या हो जाएंगे? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल इनकम हो जाएगा, क्योंकि अब उसे रिकूप करने का राइट क्या हो गया है? खत्म हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये लैंडलॉर्ड के बुक में जनरल एंट्री किए जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अब क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, हम आपको उसका पूरा क्लेरिफिकेशन देने का काम करेंगे। कॉन्सेप्चुअली समझिएगा बच्चों। और यहां पर रॉयल्टी के थ्योरेटिकल पार्ट भी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। जर्नल एंट्री भी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।